फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए ब्लाउज कटिंग लेके आई हुई हूँ। आज हम आपको ब्लाउज काटना सिखाएंगे। तो ये मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है, ये हमारा अस्तर है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया हुआ है। अब हम इसकी नाप कर लेते हैं। तो 11 इंच हम चौड़ाई ले रहे हैं इसकी। नौ इंच हमारी नाप की है निशान और 2 इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। लंबाई टोटली हम 14 इंच लेंगे। 14 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे और यहाँ से 9 इंच लेंगे। 9 इंच पे ऐसे निशान लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। गले के लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और कंधे के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी चौड़ाई का निशान है। कंधे की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं। शोल्डर की गोलाई हम 6 इंच पर देंगे। तो ये बैक साइड का पार्ट की कटिंग कर रहे हैं हम। पहले यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इसको ऐसे गोल कर देंगे। 1 इंच लेकर इसको गोल कर दिया। तो अभी हम बैक का गला नहीं बनाएंगे क्योंकि हम इसमें डिज़ाइन कटिंग करेंगे, इसलिए हम बैक का नेक नहीं कट कर रहे हैं। ये हमें बैक का पार्ट कट गया है। यहाँ से 3 इंच लेंगे और 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे, जिसकी लंबाई हम 4 इंच लेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे निशान लगा के हाफ हाफ इंच लगा देंगे इसको ऐसे। तो ये हम ऐसे इसको चुन्नट लेके सिलाई करना है हमको। तो उसके लिए मैंने बैक पार्ट में निशान लगा लिया है। तो ये बैक की कटिंग हो गई है। अब हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर, इसको फिर से डबल फोल्ड है ये। बैक पार्ट की लंबाई मैंने 14 इंच ली थी, तो 1 इंच इसको एक्स्ट्रा लेंगे आगे की पार्ट की लंबाई को। तो यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा देंगे। ये मैंने लंबाई नापी हुई है, चौड़ाई हमारी उतनी ही 11 इंच रहेगी। तो यहाँ से फिर हम 2-2 इंच ऐसे निशान लगा देंगे। ये हमारा फिटिंग का नाप है। यहाँ से हम गले की चौड़ाई 2 इंच लेंगे और कंधे की चौड़ाई 3 इंच लेंगे। शोल्डर कट हम 6.5 इंच पर करेंगे। आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और गोलाई कर देंगे। शोल्डर की गोलाई मैंने 6.5 इंच पर गोल किया हुआ है। बैक पार्ट पे मैंने 6 इंच पर गोल किया था और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसका।
गले की लंबाई हम 6 इंच लेंगे और चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे। इसको ऐसे गोल कर देंगे। ऊपर के साइड से 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ये मैं ब्लाउज की झुमका निशान है तो 9 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। झुमके निशान पर हम 2.5 इंच लेंगे लंबाई। रिश्ता लेंगे हम, यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से ऐसे इसको मिला देंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है, इसको भी ऐसे मिला देना है और फ्रंट साइड से भी हम 2.5 इंच लेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमारा पार्ट हो गया है, इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा ब्लाउज है। अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। पहले हम ये वाला बॉर्डर निकाल ले रहे हैं। ये वाला बॉर्डर हमें आस्तीन पे लगाना है। तो ये वाला बॉर्डर हम आस्तीन पे लगाने वाले हैं, इसलिए हमने निकाल लिया इसको। इस साइड से हम बैक का पार्ट निकालेंगे। तो इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। इस साइड से हम बैक का पार्ट निकालेंगे तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। इधर हम ये वाला पार्ट रखेंगे। तो कपड़े को हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से नीचे से हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं और इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। तो ये बैक का पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे और ऐसे कटिंग कर लेंगे इसको।
दोनों पार्ट की कटिंग कर रहे हैं।
होता है।